मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कपल एंडी और काय और उनकी एक साल की छोटी बेटी रोजी किसी तरह एक जानलेवा वायरस से बच गए हैं और अब वो एक हाउस बोट में रहते हैं। फिर शाम को एंडी इधर उधर देख रहा होता है कि अचानक उसको दो बच्चे नदी के ऊपर खेलते हुए नजर आते हैं। एंडी उनको बोट से आवाज देता है, लेकिन उन बच्चों के पापा जब जेब से गन निकालते हैं और एंडी को देख लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एंडी एक जगह पर रुकता है और खाने की चीज इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तभी काय बताती है कि उनके खाने की सप्लाई बहुत ही कम हो चुकी है और फिर काय कहती है कि उन्हें किसी अच्छी जगह पर रुक जाना चाहिए ताकि अच्छे से खाने की सप्लाई मिल सके। हालांकि एंडी काफी उलझन में होता है क्योंकि उसको लगता है कि ये काफी खतरनाक होगा। अब अगले दिन एंडी देखता है कि नदी के किनारे एक बोट खड़ी है। एंडी काफी खुश होता है और बोट में जाकर छानबीन करने लग जाता है कि कुछ तो मिलेगा। फिर एंडी को कुछ खाने की चीजें मिलती हैं और वाइन की बोटल्स भी मिलती है। एंडी वहां पर और सामान भी देखने लगता है और एंडी को कमरे से अजीब सी आवाजें आती है, लेकिन एंडी एक समझदार होता है इसलिए वो वहां से चला जाता है। अब एंडी काय को सारी चीजें देता है, लेकिन काय बहुत ही हैरान होती है। इसलिए जब एंडी सो जाता है तो काय बोट पर अकेली चली जाती है। अब उसे लगता है कि वो जगह सुरक्षित होगी, लेकिन उसे खतरे का पता भी नहीं चलता। और दुर्भाग्य से जब काय कुछ सप्लाई ढूंढ रही होती है, एक अनजान प्राणी उसको अंदर खींच लेता है और काट भी लेता है। आगे हम देखते हैं कि एंडी रोजी के रोने की आवाज से उठ जाता है और काय को ढूंढने लग जाता है कि कहां गई। फिर एंडी जमीन पर खून के धब्बे देखता है। एंडी काफी परेशान हो जाता है कि हो क्या गया है। अब इसी दौरान काय बाथरूम में होती है और खून को रोकने की पूरी कोशिश कर रही होती है। जोम्बी के काटने के बाद काय के पास अब सिर्फ 48 घंटे बचे होते हैं और 48 घंटे के बाद काय पूरी तरह से जोम्बी बन जाएगी। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा होता है, काय सामान देखने लग जाती है जो एंडी ने नदी से उठाया था। काय को एक ब्रेसलेट मिलता है जो बताता है कि जोम्बी में बदलने में कितना टाइम बचा है, और फिर साथ ही साथ काय एक इंजेक्शन भी अपने पे लगा लेती है। अब थोड़ी देर बाद एंडी काय से बचने के तरीकों के बारे में पूछता है, लेकिन काय इस सदमे के बाद कोई जवाब नहीं दे पाती। और काय की ऐसी हालत देखकर एंडी बोर्ड को छोड़कर जमीन पर जाने का तय करता है ताकि उसको कोई मेडिकल हेल्प मिल सके। यहां एंडी अपनी जिंदगी को खतरे में डाल देता है। अब आगे हम देखते हैं कि एक देसी आदिवासी लड़की जिसका नाम थूमी है, वो अपनी नोटबुक पर कुछ लिख रही होती है। उसके बाद थूमी अपने जगह को एक मरे हुए रैबिट के साथ छोड़ देती है और रैबिट को एक गड्ढे में फेंक देती है। फिर थूमी को गड्ढे से कुछ ग्रजलिंग की आवाज सुनाई देती है जिससे वो चिढ़ने लगती है। यहाँ एंडी और काय को एक छोटी भी कार मिलती है, वो लोग उसमें बैठकर जाने वाले होते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी उनको पकड़ने की कोशिश करता है और वो किसी तरह वहां से निकल जाते हैं। अब थोड़ा आगे निकलने के बाद एंडी मैप में देखता है और काय रोजी का डायपर चेंज करती है, लेकिन वैसे ही काय में ज़ॉम्बी के सिम्टम्स भी नजर आने लगते हैं। काय जमीन पर गिर जाती है और हार मान जाती है, लेकिन एंडी जल्दी से काय को शांत करता है। अब हम देखते हैं कि थूमी उसी गड्ढे में सांप फेंकती है, लेकिन इस बार उस खड्डे से कोई आवाज नहीं आती और थूमी वहां से चली जाती है। अब गाड़ी में हम देखते हैं कि काय होश में आने लगती है। काय अपने घाव को देखती है जिसमें पीले कीचड़ जैसा कुछ निकल रहा होता है, और ये देखने के बाद काय कार से उतर जाती है और एंडी को अपनी हालत देखकर दूर जाने को बोलती है ताकि एंडी और रोजी सही सलामत रहे। लेकिन एंडी उसको चुप कराता है और गले से लगा लेता है। एंडी काय को दिलासा देता है कि उनको मेडिकल हेल्प जरूर मिलेगी। फिर उसके बाद एंडी काय को कार में बिठाता है और डोर को लॉक कर देता है ताकि काय फिर से बाहर न निकल सके। अब आगे जाने के बाद एंडी को रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है जिसके कारण कार को टर्न करना पड़ता है और कार जाकर पेड़ पर लग जाती है, लेकिन काय को काफी लगती है, लेकिन रोजी पीछे सुरक्षित होती है और एंडी को भी होश नहीं रहता। अब थोड़ी देर बाद जब एंडी उड़ता है तो काय को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन काय पहले से ही ज़ॉम्बी में बदल चुकी होती है। अब ये देखने के बाद एंडी रोजी को लेकर कार से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन काय एंडी को काट लेती है। अब एंडी किसी तरह से कार से बाहर आता है और काय को शांत करने के लिए उसको इंजेक्शन लगा लेता है, और फिर एंडी काय का ब्रेसलेट अपने हाथ में पहन लेता है और रोजी को अपनी पीठ पर बांधकर आगे चलने लग जाता है। यहाँ बेचारी छोटी बच्ची जो अपनी माँ से काफी टाइम से मिली नहीं थी, वो बार बार रोती जा रही है। एंडी रोजी को शांत करने के लिए काय का परफ्यूम लगा लेता है ताकि उसको लगे कि ये मेरी माँ है। अब थोड़ी देर बाद एंडी और रोजी कहीं रुक कर आराम कर रहे होते हैं और अचानक से एंडी देखता है कि जो आदमी उनको रास्ते में मिला था वो उनके पास आ रहा है, और एंडी को पता चल जाता है कि वो एक ज़ॉम्बी है। और ये देखकर एंडी काफी डर जाता है और खुद को बचाने की तैयारी करता है, लेकिन उसी समय थूमी वहां जाती है और उस ज़ॉम्बी का ध्यान भटका देती है। फिर बाद में पता चलता है कि वो थूमी का पापा होता है। थूमी अपने हाथ से खून निकालती है और ज़ॉम्बी उसके पीछे चला जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि एंडी एक स्कूल में जाता है और रिटायर्ड टीचर एटा से मिलता है। वो लेडी एंडी की चोट साफ करने में हेल्प करती है और उससे कहती है कि उसे और उसकी बेटी को ज़ॉम्बी से बच के रहना पड़ेगा। देसी आदिवासी लोगों को इस जगह से निकाल दिया गया
किया। थोड़ी देर बाद एंडी बाहर जाता है और देखता है कि आदिवासी लोगों ने आग जला रखी होती है और पता चलता है कि वो लोग थुमी को ढूंढ रहे हैं। अब उसी रात जब एंडी रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा होता है तो वो एकदम नीचे गिर जाता है और जैसे ही उसको पता चलता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, अगली सुबह एंडी होश में आ जाता है और ईटा से मिलता है। ईटा एंडी को कहती है कि उसे देसी आदिवासी विली से मिलना चाहिए। उसे पता है कि छोटे बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं, जबकि एंडी को पता होता है कि विली कोई और नहीं थुमी का ज़ॉम्बी पापा है। अब एंडी के जाने से पहले ईटा कहती है कि तुम्हें देसी आदिवासी लोगों से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो सभी ज़ॉम्बी को मार रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद एंडी रोजी को पानी पिलाने के लिए रुकता है और एंडी देखता है कि ज़ॉम्बी के सर जमीन में दफनाए हुए हैं। एंडी बहुत ही डर जाता है और वहां से चल जाता है, लेकिन उसमें से एक ज़ॉम्बी उनका पीछा करता है। अब आगे जाकर एंडी को एक गाड़ी दिखाई देती है और वो उसको लेने की कोशिश करता है, लेकिन एक आदमी जिसका नाम विक है वो ज़ॉम्बी को मारकर एंडी को बचा लेता है। विक गैस टैंक में फंसा होता है। विक एंडी को गाड़ी की चाबी देता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि पहले एंडी विक को वहां से निकालेगा। अब बिना टाइम खराब करके एंडी गाड़ी को स्टार्ट करता है और उन टैंक्स को हटा देता है जो विक के ऊपर है। अब वो दोनों जल्दी से गाड़ी चलाते हैं और ज़ॉम्बी को छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि वो दोनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं जो पहले गैस प्लांट आउटपोस्ट हुआ करता था। फिर एंडी की मुलाकात विक की वाइफ लॉरेंस से होती है, जो एंडी को देखकर बिल्कुल ही हैरान हो जाती है। विक एंडी को कहता है कि वो रोजी को लॉरेंस को पकड़ा देगा ताकि वो दोनों कुछ काम कर सके। अब ये बात भी सामने आती है कि विक सभी ज़ॉम्बीज को पकड़ता है और उनको खत्म कर देता है ताकि उनकी कीमती सामान को ले सके। विक का मानना है कि जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो इन चीजों की काफी कीमत बढ़ेगी। हालांकि विक की टेक्निक अच्छी नहीं है, वो ज़ॉम्बीज को अटैक करने के लिए लोगों को केज में डालता है। और एंडी जब केज में देख रहा होता है तो एक केज में उसको थुमी दिखती है, जिसको देखकर वो काफी उदास हो जाता है। यहाँ लॉरेन जब रोजी के साथ खेल रही होती है तो वो देखते हैं कि रोजी के पेट से एक पीले रंग का कीचड़ निकल रहा है। और बाहर हम देखते हैं कि विक और एंडी किसी और केज की तरफ जाते हैं। वहाँ विक ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए खून फेंक देता है और जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो लॉरेन कहती है कि उसने रोजी को साफ कर दिया है। और जैसे ही एंडी रोजी को अपने हाथों में लेता है और उसके हाथ कांपने लग जाते हैं और इसकी वजह से एंडी जल्दी से अपनी बेटी को पालने में रख देता है। अब लॉरेन एंडी से बात करने की कोशिश करती है और बताती है कि मैं विक की वाइफ नहीं हूँ, बल्कि इस बुरे विक ने खुद को बचाने के लिए मेरे पति और बाकी लोगों को गैस प्लांट में मार दिया था। एंडी और लॉरेन बात कर ही रहे होते हैं कि वैसे ही विक गन लेकर आता है और विक एंडी के सर पर गन से मारता है और उसको बेहोश कर देता है। फिर आगे हम देखते हैं कि एंडी थुमी के साथ केज में होता है और जैसे जैसे चीजें उलझ जाती हैं, एंडी एक प्लान बनाता है जिससे वो दोनों वहां से बाहर निकल सके। एंडी कुछ रॉ इंटेस्टाइन को रस्सी के साथ बांधता है और वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। अब मौका देखते ही वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और वापस शेल्टर में चले जाते हैं। वो दोनों लॉरेन और रोजी को वहां से निकालते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लॉरेन विक को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान लॉरेन को गोली लग जाती है और बेचारी मर जाती है। आगे हम देखते हैं कि एंडी और थुम्पी अपनी रात एक छोटी से गुफा में गुजारते हैं और वो दोनों एक दूसरे की चेन तोड़ने में हेल्प करते हैं। अब आधी रात को थुम्पी को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। थुम्पी देखती है कि एंडी में ज़ॉम्बीज वाले सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और अगली सुबह एंडी अपने होश में आ जाता है और वो तीनों फिर अपना सफर शुरू करते हैं। अब रास्ते में एंडी थुम्बी को कहता है कि उसके पापा अब ठीक नहीं होंगे और ये सुनकर थुम्बी काफी उदास हो जाती है और आगे भाग जाती है। फिर आगे जाकर थुम्बी देखती है कि उसके पापा पेड़ में दबे पड़े हैं और मर भी चुके हैं। एंडी वहां पहुंचता है और छोटी बच्ची को दिलासा देता है, लेकिन थुम्बी उसका एहसान नहीं मानती और फिर एंडी उससे अलग हो जाता है और चला जाता है। और आगे जाकर एंडी की तबीयत खराब हो जाती है और वो अपना सर जमीन में डालने की कोशिश करता है। फिर थुम्बी पेड़ के पास खड़ी होती है, लेकिन जब थुम्बी रोजी की रोने की आवाज सुनती है तो वह उसके करीब भाग जाती है। अब एंडी उठता है और थुम्बी को देखकर काफी खुश हो जाता है, जो कि उसकी हेल्प करने के लिए आती है। थोड़ी देर बाद वो लोग रिवर के पास पहुंच जाते हैं और मोटर बोट लेकर उस कैंप की तरफ जाते हैं जो एंडी ने लास्ट टाइम देखा था, जहां पर उसने दो बच्चों को और उसके पापा को देखा था। अब वहां पहुंचकर उन लोगों को एक आरवी मिलती है और वो उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन एंडी को वहां कुछ नहीं मिलता। फिर एंडी अपनी बेटी के साथ उसको ढूंढने जाता है, जबकि थुम्बी वहीं रहने का डिसाइड करती है। थोड़ी देर बाद एंडी उन बच्चों के पापा से मिलता है, लेकिन उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। वो आदमी फिर से एंडी को गन दिखाता है और एंडी को कहता है कि उसमें 6 गोलियां हैं, 4 उसके और उसकी फैमिली के लिए और बाकी 2 गोलियां एंडी यूज कर सकता है अगर उसकी फैमिली मरी तभी। अब एंडी को उसका आइडिया काफी भयानक लगता है। एंडी उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। अब जैसे ही एंडी वापस जाने लगता है, उसको 4 गोलियों की चलने की आवाज आती है। वो वापस जाता है और अपनी सेफ्टी के लिए गन भी ले लेता है। अचानक से थुम्बी वहां आती है, फिर थुम्बी वापस घर जाने के लिए मान जाती है, जो एंडी में एक नई उम्मीद जगाता है। अब वो किसी तरह देसी आदिवासी लोगों के पास जाना चाहता है और रोजी को उनको पकड़ा देना चाहता है। फिर वो तीनों अपना सफर शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही वो रेल रोड पर पहुंचते हैं, उनका रास्ता विक रोक लेता है। वो एंडी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जबकि थुम्बी रोजी को लेकर पास में खड़े ट्रक के पीछे छुप जाती है।
और उन दोनों के बीच खूब लड़ाई हो जाती है। एंडी विक को मारने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो दोनों बार बच जाता है। फिर विक अंधेरे से बाहर आता है और थुमी को ट्रक से घसीट कर लेके जाता है और विक थुमी का सर रेल्स में डाल देता है। जब थुमी दर्द से तड़प रही होती है तो विक रोजी को पकड़ लेता है और लंगड़ाता हुआ एंडी उठ जाता है और थुमी को देखता है, वो अभी भी जिंदा होती है। विक रोजी को गोद में लेकर झुला देता है और फिर एंडी अपनी बेटी वापस मांगता है। पहले तो विक मना कर देता है लेकिन बाद में जब लॉरेन के मरने का उसको शौक होता है तो वो रोजी को वापस एंडी के पास दे देता है और अब वो तीनों अपना सफर शुरू करते हैं। लेकिन रास्ते में एंडी का टाइम खत्म होता है और वो जॉम्बी में बदल रहा होता है। लेकिन एंडी अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा करता है और थुमी से रिक्वेस्ट करता है कि वो रोजी का ख्याल रखे। अब थुमी भी मान जाती है। एंडी अपने मुंह को बांध देता है ताकि वो किसी को हर्ट ना कर सके और फिर एंडी स्टिक पर मीट का पीस बांध देता है और अपने हाथ को बचा लेता है। अब आगे चलकर एंडी जमीन पर भी गिर जाता है और पूरी तरह से जॉम्बी बन जाता है। लेकिन अभी भी एंडी ने रोजी को अपनी पीठ पर बांधा हुआ है। अब थोड़ी सी आगे चलकर वो लोग आदिवासी लोगों के कैंप में पहुंच जाते हैं और वो लोग जल्दी से एंडी को पकड़ लेते हैं। फिर थुमी की माँ थुमी और रोजी को अपने पास बुला लेती है और उसके बाद बूढ़ा आदिवासी एंडी को मारने की कोशिश करता है लेकिन थुमी उसको रोक लेती है और काय की परफ्यूम की बोतल निकालती है। फिर थुमी आखिरी बार एंडी पर काय का परफ्यूम लगा लेती है और एंडी एक पल के लिए फिर से जिंदा हो जाता है और वैसे ही एंडी अपनी आखिरी सांस लेता है और बेचारा मर जाता है। और फिर आदिवासी लोग थुमी और रोजी को गले लगाते हैं और रोजी के पेट पर थैंक यू का नोट देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसे लगी? आपको इस मूवी का सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी दिलचस्प मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।